हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं फाउंडेशन लर्निंग आधारशिला मॉड्यूल का सार संक्षेप बना रहा हूं। आपको मॉड्यूल्स की हार्ड कॉपी मिल चुकी होगी और आपने अध्ययन भी प्रारंभ कर दिया होगा, लेकिन दोस्तों मैं ये सार संक्षेप इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं इसकी छोटी छोटी वीडियोज़ बना दूँगा। आप कहीं भी आते जाते, कोई भी काम करते समय जो है, आप ईयरफोन लगा करके इन वीडियोज़ को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और सार संक्षेप इसका आप आसानी से तैयार कर सकते हैं, ताकि आपको बार बार जो है जो हस्त पुस्तिकाएं दी गई हैं वो ओपन ना करना पड़े। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना। यद्यपि दोस्तों यह सेशन तो यूँ ही जा रहा है, लेकिन आने वाले जो है समय में जो न्यू सेशन होगा उसके लिए आपको पहले से तैयारी करके रखना है। तो आइए, आपको मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना क्या है, कैसे आप जो है साप्ताहिक कार्य योजना बनाएंगे और क्या टास्क निर्धारित करेंगे, किस तरह से बच्चों में जो है शिक्षण कार्य करेंगे। तो यह वीडियो भाषा कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा के लिए जो है ये हमारी कार्य योजना है। तो आइए हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करते हैं और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से जो है आप साप्ताहिक कार्य योजना बनाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, आप देखिए यहाँ पर मैंने एक जो है बहुत ही सुंदर कलरफुल साप्ताहिक कार्य योजना बना रखी है, फाउंडेशन लर्निंग शिविर की साप्ताहिक कार्य योजना भाषा कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा। यानी जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर का आयोजन करना है हमें कक्षा 1 और 2 के लिए जो है, ऐसे बच्चों के लिए जो बुनियादी शिक्षा के लिए जो हमें तैयारी करना है, जो हमें बच्चों को जो है तैयार करना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको किस तरह से जो है हम भाषा की कक्षा जो है ले, कैसे अपना शिक्षण कार्य करें ताकि बच्चों को समय रहते हुए जो है बच्चे जो है वर्णों को पहचान जाए, मात्राओं को पहचान जाए और शब्दों को पहचान जाए और जो है सही ढंग से वो पढ़ने लिखने लगे। तो हमारा लक्ष्य यही है मित्रों। देखिए, इस साप्ताहिक कार्य योजना में हमने जो है इसको 50 दिन को जो है 7 सप्ताह में बाँट लिया है। और जो पहला सप्ताह हमारा है इसमें देखिए 3 कॉलम हमने बनाए हैं, अवधि, कक्षा शिक्षण के लिए चयनित आउटकम, विषय वस्तु और लक्ष्य क्या होगा, ये जो है इसके अंतर्गत है। और जो पहला सप्ताह है, प्रथम सप्ताह है, 1 से 7 दिन तक के लिए है। इसमें जो हमने जो चयनित आउटकम ले रखा है, इसी पर आधारित जो है हम गतिविधियाँ और इसी जो चयनित आउटकम है इसी पर आधारित हम शिक्षण योजनाएँ बनाएंगे प्रथम सप्ताह में। तो प्रथम सप्ताह में क्या करना है हमें, बच्चों को किस तरह से जो है, बच्चे आएंगे और शुरुआती दौर पर बच्चे आएंगे कक्षा 1 में तो बिल्कुल नए एडमिशन होंगे और बच्चे बिल्कुल अनभिज्ञ रहेंगे विद्यालय के वातावरण से। तो हमें बच्चों के साथ एक मैत्रीपूर्ण वातावरण जो है का निर्माण करना है ताकि बच्चे सभी हमारे साथ जो है घुल मिल जाएँ और हमारे द्वारा जो शिक्षण योजना बनाई गई है उसमें जो है बच्चों को अपेक्षित दक्षताओं की प्राप्ति हो सके। तो प्रथम सप्ताह के लिए जो चयनित आउटकम है वो है बच्चे सुनकर आवश्यक अनुक्रिया देते हैं, ये आउटकम है, लर्निंग आउटकम है जिनका चुनाव करना है। परिचित वस्तुओं का चित्रों के नाम बता लेते हैं। चित्र पर आधारित 1 शब्द के उत्तर वाले प्रश्नों पर मौखिक उत्तर दे लेते हैं। किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं। तो पहले सप्ताह हमारा लक्ष्य यही है कि हम बच्चों के अंदर जो है ये लर्निंग आउटकम का विकास करें कि बच्चे सुनकर आवश्यक अनुक्रिया देते हैं, यानी बच्चे जो है सुन करके अनुक्रिया देने लगें और परिचित चित्रों वस्तुओं के नाम बता पाएँ जो उनके पर्यावरण में पाई जाती है, उनके जो है आसपास पाई जाती हैं, ऐसे परिचित चित्रों और वस्तुओं के नाम बच्चे बता पाएँ। चित्र देखकर 1 शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों को मौखिक बता पाएँ। जैसे कोई चित्र दिखा करके उसमें पूछा जा सकता है बच्चों से जो है कि इसमें बताइए, मान लीजिए कि उसमें आपने दिखा रखा है हंस के चित्र दिखा रखे हैं, तो आप पूछ सकते हैं बच्चों से जो है कि हाँ बताइए इसमें कितने हंस दिख रहे हैं, वो संख्या बता देंगे। या अगर आसपास के उनके आसपास के वातावरण में जो पक्षी रहते हैं, जैसे आपने कौवा का चित्र दिखा दिया और आपसे पूछा बच्चे से कि बताइए ये किस पक्षी का चित्र है, तो बच्चा बताएगा कौवा। तो इस तरह से चित्रों को देख करके जो है 1 शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों को मौखिक बताना, ठीक है। फिर ये है किताब को सही तरीके से पकड़ लेते हैं। किताब को सही पकड़ना, क्या लक्ष्य क्या होगा, अर्थात हमारा लक्ष्य यही है कि हम बच्चों के अंदर जो है प्रथम सप्ताह में ये योग्यताएं, ये अपेक्षित दक्षताएं ला सकें इन लर्निंग आउटकम्स के माध्यम से।
तो दो चीज़ें हमें ध्यान रखना है, एक है हमारा लर्निंग आउटकम, दूसरा हमारा लक्ष्य क्या है। लर्निंग आउटकम पर आधारित हम शिक्षण योजना का चुनाव करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, और जो हमारा लक्ष्य होगा वो जो साइड में लिखा हुआ ये लक्ष्य होगा कि बच्चों के अंदर जो है ये चीज़ें विकसित हो सकें, कि बच्चे सुनकर अंतक्रिया दे सकें, परिचित चित्रों वस्तुओं के नाम बता सकें, चित्र देख कर एक शब्द में उत्तर वाले प्रश्नों को मौखिक बता सकें और किताबों को सही पकड़ना सीख जाएं। ये है हमारा लक्ष्य जो है प्रथम सप्ताह का। तो आइए मित्रों, इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरे सप्ताह में हमने क्या लर्निंग आउटकम में रखा है। तो आपको बताना चाहूँगा कि जो दूसरा सप्ताह है वो 8 से 15 दिन के बीच का है। इसमें क्या है कि बच्चे सुनकर निर्देशों का पालन कर लेते हैं, ये लर्निंग आउटकम है। बच्चे परिचित परिवेशीय चित्र पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें, सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। बच्चे लेखन पूर्व क्रियाएं जैसे बीजों से पैटर्न बनाना, पिरोना, काटना आदि कर लेते हैं। बच्चे पाठ्य पुस्तक को बाएं से दाएं पलटते हैं, यानी ये हमारे लर्निंग आउटकम है। इन्हीं पर आधारित जो है हमारी शिक्षण योजनाएँ होंगी। और जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्य हमको बच्चों के अंदर ये जो है विकसित करना है कि बच्चे जो है सुनकर सरल निर्देशों का पालन कर सकें, चित्र पर आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकें, लेखन पूर्व क्रियाएं करें जैसे बीजों से पैटर्न बनाना, पिरोना, काटना आदि, तरह तरह की चीज़ें जो है, ठीक है, कंकड़ गिट्टी इकट्ठा करना, ठीक है, आदि बहुत सारी गतिविधियां ऐसे हो सकती हैं, और पुस्तक खोलने के सही तरीके जान पाएं। यानी बच्चों से, सारे बच्चों से पुस्तक खोलने के लिए कह करके आप देख सकते हैं कि बच्चे सही ढंग से पुस्तक खोल पा रहे हैं कि नहीं खोल पा रहे हैं, यानी बाएं से दाएं पलट पा रहे हैं कि उल्टा किताब पकड़ रहे हैं। यानी कि दूसरे सप्ताह में हमें बच्चों को जो है ये जो है बच्चों के अंदर ये अपेक्षित दक्षताएं लाना है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा जो है ये जो तीसरा सप्ताह है, तृतीय सप्ताह, ये 16 से 28 दिन का है, ठीक है, 16वें से 28वें दिन तक चलेगा। और इसमें जो लर्निंग आउटकम है वो हैं बच्चे सुनी गई कविता कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं, बच्चे अपने परिवेशी अनुभवों पर बात कर लेते हैं, बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं, बच्चे बालू में रेखाएं उकेर लेते हैं, बच्चे विभिन्न वस्तुओं से पैटर्न बना लेते हैं जैसे तीली, बीज, फूल। तो ये है तीसरे सप्ताह में जो है हमने ले रखा, यहाँ पर 5 लर्निंग आउटकम ले रखे हैं। तो एक दिन में ज़्यादा नहीं, आप एक लर्निंग आउटकम को लेकर के बच्चों से गतिविधियाँ करा सकते हैं, अपने उसी पर आधारित छोटी छोटी शिक्षण योजनाएँ बना सकते हैं। और इस सप्ताह का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है, बच्चों के अंदर जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य का विकास बच्चों के अंदर होना ही है। आपको वो लक्ष्य जो है विकसित बच्चों के अंदर करवाना है, चाहे जिस तरह से, यानी कि आपको मित्रता के भाव से, प्यार से, यानी बच्चों की समस्याओं को सुन करके जो है, लेकिन एक ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार से जो है बच्चों के अंदर तनाव की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो जो लक्ष्य निर्धारित हैं तीसरे सप्ताह में वो हैं सुनी गई कविता कहानी पर सरल प्रश्नों के उत्तर देना, यानी छोटी छोटी कहानियाँ, ये छोटी छोटी कविताएँ बच्चों के सामने आप प्रस्तुत करते हैं और छोटे छोटे प्रश्न पूछते हैं तो बच्चे उनके उत्तर दे लेते हैं, यानी बच्चों के अंदर ये दक्षता विकसित हो गई है। फिर वर्णों की पहचान करना, यानी बच्चे वर्णों को पहचान कर पा रहे हैं कि नहीं पहचान कर पा रहे हैं, आ से लेकर के ज्ञा तक में कुछ वर्ण जो है आप बच्चों को दे सकते हैं पहचानने के लिए। बालू में पैटर्न बनाना, बालू में बच्चों के लिए अगर ज़मीन में पैटर्न बनाने के लिए कह दीजिए, तरह तरह के वो पैटर्न बनाएंगे, अपनी उंगलियों का प्रयोग करते हुए वो पक्षी बनाएंगे, ठीक है, तरह तरह की डिज़ाइन बनाएंगे, गोले बनाएंगे, यानी इस तरह से अलग अलग जो है पैटर्न बनाएंगे। और हवा में लिखना, अगर बच्चों को वर्णों की कुछ पहचान हो गई है तो उन वर्णों को जो है वो हवा में लिखना भी सीख जाएंगे, हवा में वो लिख करके भी बताएंगे कि हाँ इसको ऐसे लिखा जाता है। तो तीसरे सप्ताह का ये लक्ष्य है मित्रों। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा चौथा सप्ताह है, चौथा सप्ताह हमारा है 24 से 31वें दिन तक जो है। और इस चौथे सप्ताह में जो हमने लर्निंग आउटकम ले रखे हैं, जो आउटकम है वो है बच्चे सूची सवालों के मौखिक उत्तर देते हैं, बच्चे सरल कविता कहानियां सुना लेते हैं, बच्चे वर्णों की पहचान कर लेते हैं, बच्चे मात्राओं की पहचान कर लेते हैं, बच्चे कुछ वर्णों को लिख लेते हैं। यानी चौथे सप्ताह में हम ये इस लर्निंग आउटकम पर काम करेंगे। इस सप्ताह में भी 5 ही लर्निंग आउटकम लिए गए हैं और प्रत्येक दिन जो है हम एक दिन जो है एक लर्निंग आउटकम लेकर के बच्चों के साथ जो है इस पर कार्य करेंगे, शिक्षण योजना बनाएंगे, गतिविधियां बनाएंगे। और जो हमारा लक्ष्य निर्धारित है चौथे सप्ताह में वो ये है कि सूची सवालों के मौखिक उत्तर देना, सरल कविता कहानियाँ सुनाना, वर्णों की पहचान करना, मात्राओं की पहचान करना, कुछ वर्णों को लिख लेना।
यानी इस तरह से जो है चौथे सप्ताह में ये जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, ये लक्ष्य हमें बच्चों के अंदर जो है लाना है। और बच्चे अगर ये सारी चीज़ें कर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल हो रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों और पाँचवा सप्ताह देखते हैं। आपके सामने देखिए पाँचवा सप्ताह दिख रहा है। पंचम सप्ताह यानी 32 से 39 दिन तक का है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी पाँच जो है, इसमें चार ही लर्निंग आउटकम लिए गए हैं। वो ये है कि बच्चे तर्क आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, बच्चे कविता कहानियाँ सुनाते हैं, बच्चे दो वर्णों से बने अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं, जैसे चल, कल, बल, हल, इस तरह के बच्चे वर्णों को लिख लेते हैं आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा का मतलब आ से ज्ञा तक जितने वर्ण होते हैं उसमें आधे से ज़्यादा वर्णों को बच्चे लिख लेते हैं। फिर इस पाँचवें सप्ताह में जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वो लक्ष्य ये है कि तर्क आधारित क्यों कैसे सवालों के उत्तर देना, कविता कहानियाँ सुनाना, दो वर्णों के अमात्रिक शब्दों को पढ़ना, कुछ वर्णों को लिख लेना। यानी ये चार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं पाँचवें सप्ताह में। तो ये चारों चीज़ें जो है हमें बच्चों के अंदर विकसित करना है ताकि बच्चे जो है इन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। हमें अपनी शिक्षण योजनाओं को इस तरह से जो है बनाना है, ठीक है। फिर अगला है सप्ताह, छठा सप्ताह है जो कि 40 से 47 दिन तक का है। तो इस सप्ताह में जो है पाँच लर्निंग आउटकम लिए गए हैं। ये पाँच लर्निंग आउटकम है, बच्चे कल्पना आधारित प्रश्नों के उत्तर दे लेते हैं, दैनिक जीवन की प्रक्रियाओं का वर्णन कर लेते हैं, सुने देखे वर्णनों पर आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर देते हैं, अमात्रिक शब्दों को पढ़ लेते हैं स्तर अनुसार, अपने स्तर के अनुसार, कक्षा एक का स्तर, कक्षा दो का स्तर, अपने स्तर अनुसार पढ़ लेते हैं और सभी वर्णों को लिख लेते हैं। यानी छठे सप्ताह आते आते बच्चों को सभी वर्णों को लिखने की शैली बच्चों के अंदर विकसित हो जानी चाहिए। आ से लेकर ज्ञा तक के सारे वर्णों का ज्ञान बच्चों को हो जाना चाहिए। और हमारा लक्ष्य है छठवें सप्ताह का कि कल्पना आधारित अगर, यदि, अगर ऐसा होता, यदि ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, सवालों के उत्तर देना, सरल प्रश्नों के उत्तर देना, अमात्रिक शब्दों को पढ़ना, सभी वर्णों को लिख लेना। यानी छठे सप्ताह आते आते बच्चों में जो है इन चीज़ों का विकास हो जाना चाहिए। तो छठों सप्ताह का हमारा ये लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं बच्चे तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और सातवें सप्ताह में आते हैं। और सातवें सप्ताह में देख रहे हैं कि सिर्फ चार लर्निंग आउटकम लिए गए हैं क्योंकि यहाँ पर दिनों की संख्या कम है। ये है 48 से 50 दिन, 49, 50 यानी 3 दिन ही है। 3 दिन में हमें ये काम करना है और ये लक्ष्य बच्चों के अंदर लाना है कि बच्चे कविता कहानियाँ सुना लेते हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार भाषा का प्रयोग करते हैं, अपने परिवेशी अनुभव को बता लेते हैं, कक्षा स्तरानुसार शब्दों वाक्यों को पढ़ लेते हैं, 12 खड़ी से नए शब्द बनाकर लिख लेते हैं। अब सातवें सप्ताह तक जो है हमें ये शिक्षण योजना लेकर के काम करना है। और बच्चों में जो लक्ष्य निर्धारण है वो है कि कविता कहानियाँ सुनाना, अपनी ज़रूरत के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करना, स्तरानुसार शब्दों वाक्यों को पढ़ना, शब्द निर्माण कर लिखना। ये लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो मित्रों ये 50 दिनों का जो है जो आपका फाउंडेशन लर्निंग शिविर है, ये शिविर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये 50 दिन हम बच्चों पर इस प्रकार से ध्यान दे लिए तो फिर आगे जो है बड़े सरलता से बच्चे पढ़ने और लिखने लगेंगे, हमें उतनी मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। तो शुरुआत के जो 50 दिन होंगे किसी भी सेशन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हमें लग करके बच्चों के लिए काम करना है, बच्चों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए उनके अंदर जो है ये अपेक्षित दक्षताएं जो है विकसित करनी है। तो मित्रों आशा करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद है तो मित्रों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिएगा। अगर मित्रों आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ऐसे ही पूरे मॉड्यूल के जो है सार संक्षेप बना दूंगा, ठीक है मित्रों। और अगर आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं PDF फाइल दे रहा हूँ, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।